मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में मनरेगा योजना के प्रभावी संचालन के लिए कार्यशैली में बदलाव लाएं। प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय पर झारखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित हो, यह सुनिश्चित करें कि मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं से लाभुकों के जीवन स्तर पर क्या बदलाव हो रहा है, इसका आंकलन करें। सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा हो, योजनाओं को 100% धरातल पर उतारा जाए एवं जिनके लिए योजनाएं चल रही हैं, उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव हो, यह सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि योजनाओं का संचालन रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हाल में लोगों के आय में वृद्धि हो, यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है। गरीब मजदूर किसान सभी वर्ग एवं समुदाय के परिवारों को जीवन में सकारात्मक बदलाव हेतु सरकार कार्य कर रही है। खेतों में मेड़बंदी कार्य मिशन मोड में चलाए जाए। वर्तमान समय में वाटर रिसोर्सेज बहुत इम्पोर्टेंट है। खेत एवं चार में मेड़बंदी होने से कृषि के लिए जल स्तर के ठहराव में मदद मिलेगी। अधिकारियों को कहा गया कि ग्रामीण स्तर पर माइक्रो नर्सरी खुलवाएं। माइक्रो नर्सरी का लाभ कृषि से जुड़े लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खास तौर पर वैसे किसान जो सालों भर सब्जी फल इत्यादि की खेती करते हैं, उन्हें ग्रामीण नर्सरी का लाभ 100% मिल सकेगा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कंपोस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को दुरुस्त करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। एवरी वेलकम, यू've नेवर नोन। वेलकम टू अ जर्नी यू've नेवर इमेजिनड। वेलकम टू अरेबिया सऊदी। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना। आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।